बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। चुनाव शुरू हो चुका है और ये लोग अब वोट करने जा रहे हैं। हम बनारस में मौजूद हैं, काशी नगरी, जहां पर ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, मोदी जी हमेशा आते भी हैं। आज आखिरी चरण का चुनाव और यहां पर लोगों में वोट को लेकर उत्सुकता। क्या नाम है बड़े भाई? सूरज सिंह। सूरज जी, इस बार किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? इस बार मुद्दे यही है सर कि जो गुंडागर्दी था, हाँ, ये सब देखते हुए, हाँ, मतलब उत्साह यही है कि फिर बीजेपी आए। फिर बीजेपी आए, हाँ। गुंडागर्दी था, मतलब गुंडागर्दी ये था कि जैसे गांव में हम लोग रहते थे, हाँ, तो शाम जहाँ 6 बजता था, हाँ, तो मतलब बहन बेटी जो जाने खेत में जाती थी, हाँ, जाने में डरती थी। अच्छा। हाँ, जाने अच्छा था क्या? हाँ, बहुत डर था। अच्छा। और उसके बाद यही सब प्रॉब्लम था, मतलब घर वर का भी, जो गरीब लोग हैं, हाँ, आवास आवास के घर में झोपड़ी में रहते थे, हाँ, उन लोग को मकान मिला, हाँ, शौचालय बना, हाँ, इसलिए बहन बेटी जो है थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अच्छा। और वो लोग सुरक्षित है तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। अच्छा, इसीलिए हम बीजेपी को चुनना चाहते। बताइए क्या लगता है, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे पर यही है कि यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट होगा। अच्छा। जो विकास हुआ है उसी मुद्दे पर वोट होगा। अच्छा, विकास हुआ है, होना बाकी है, क्या लगता है? नहीं नहीं, विकास तो हुआ है, हाँ, पहले से बहुत सुधार में सिटी। अच्छा। स्मार्ट सिटी हो गया है, हाँ। पहले रास्ता जो है बहुत खड्डा हुआ करता था। अच्छा। अभी हर जगह आपको रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, पहले गड्ढा हुआ करता था, हाँ। किधर भी जाए। अरे, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे पर वोट नहीं? नहीं, महंगाई तो है, पर धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। वो भी कम हो जाएगा, हाँ। तो सुरक्षा, और ये भैया बोल रहे थे कि गुंडागर्दी कैसी है? नहीं, गुंडागर्दी तो अब बिल्कुल ही नहीं है, आदमी सब सुरक्षित है, हाँ। पहले गुंडागर्दी होती थी, अभी आदमी सब अपना सुरक्षित है। कैसी गुंडागर्दी होती थी? नहीं, मतलब किसी को भी मारना पीटना और गुंडागर्दी करना, हाँ, और किसी को सताना और लूटपाट भी ज़्यादा हुआ करता था। अच्छा। अब कम हो गया है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन में भी हो जाता था। हाँ हाँ हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया? अबे उमा शंकर। किस मुद्दे पे वोट हो रहा है, क्या हो रहा है? अब है इसका 5 साल का, हर 5 साल में नियम है, वोट पड़ रहा है। हाँ, मतलब किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा, आपके लिए मुद्दा क्या होगा? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। सब बराबर। इस बार मन में क्या? फिर इनकी सरकार है तो अच्छी है। अच्छी इनकी सरकार क्यों अच्छी है? क्योंकि हर कुछ को देखते हुए देखा जाए तो सब सही है हमारे ख्याल से, बाकी का अपना अपना। जैसे में हर कुछ को देखा जाए, अब महंगाई बढ़ी, कुछ भी बढ़ा तो इंसान की कमाई भी बढ़ी। पहले 5 रुपये हम लोग नौकरी करते थे तो जो 4 आना खर्चा था, आज जो 50,000 कमा रहे तो अभी 20,000 खर्चा है। तो ऐसा कोई बात नहीं, जैसा कमाई वैसा महंगाई है, जैसा कमाई वैसा महंगाई, हाँ। है। चलिए, क्या लगता है भैया, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट हो रहा है? अब वोट तो यही काम के ऊपर हो रहा है, है? एक काम के विकास के ऊपर हो रहा है वोट। विकास के ऊपर हो रहा है, क्या विकास क्या हुआ? विकास तो बहुत ही हुआ, रोड का काम हुआ। अच्छा। और रोडों का काम हुआ, और भाई राशन सरकार दे रही है सबको, हाँ, हाँ। और आप जैसे ऑटो चलाते हैं हम लोग, हाँ। हम लोगों को अब ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अच्छा। वैसे पहले सभी लोग डिस्टर्ब करते थे, कोई भी कहीं भी रोक के कुछ हम लोगों से पैसा ले लेता था। अब, कोई भी, हाँ, कोई भी पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला, कोई भी ले लेता था। अब ऐसे जब तक ये सरकार आई है तब तक हम लोगों को कोई नहीं रोका, ना कोई टोका, सीधा चलते चले जाओ, ना किसी को हराम का एक पैसा देना हो पड़ता है कभी। रोड पर भी चलने में भी अच्छा है। अच्छा, पहले देना पड़ता था? हाँ, पहले तो कहीं भी लोग पकड़ के होमगार्ड लोग, सिपाही लोग ले लेते थे पैसा, ये फेल है वो फेल है वो है, 300-300 करके पैसा ले लेते थे लोग। अच्छा। अब नहीं है वो सर? नहीं, अब तो वो सब नहीं है भैया, हम आराम से चल रहे। हाँ, अब तो आराम से चलना है ना। तो आप लोग अब इस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं? हाँ भाई, हम लोगों को सुविधा मिला, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड गड्ढा मुक्त है, कहीं सब कुछ सही है, हाँ। हुँ। तो ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी जो विपक्ष चिल्लाता है, महंगाई तो भाई तो है ही है, हाँ। महंगाई तो है ही है, सब बढ़ेगा, सब कुछ सिस्टम तो महंगाई तो रहेगा ही, जैसे जैसे
व्यवस्था बढ़ गई है भाई, काम हो रहा है तो काम में पैसा लग रहा है तो महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़ ही गई। हाँ, तो जनता पे ही ना आएगी भाई, गरीबों का दिक्कत तो है ही। हाँ, गरीबों के लिए सरकारी मान लीजिए दिक्कत तो बहुत ही है, बहुत फायदा भी है, दिक्कत भी है, दिक्कत भी है, दिक्कत भी है, फायदा भी है। गरीबों का सबसे ज़्यादा फायदा है, दिक्कत है। गरीब दिक्कत है जैसे वही, जैसे कि जो रोजगार रोजगार जैसे सब बंद हो गया, फैक्ट्री वैक्ट्री सब सब लोग कहाँ कहाँ जाते थे करने पढ़ने काम धाम, लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। चलिए, दिक्कत भी है। अब सुबह सुबह वोटिंग हम दिखा रहे हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।